आप देख रहे हैं हमारा चैनल AKR न्यूज। सकरण में इंतजामिया के सख्तरीन नाहले के बायस कोरोना वायरस फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। रिपोर्ट राना खलील अहमद के मुताबिक गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सकरण में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के दौरान नाकस इंतजाम ने कई सवाल को जन्म दे दिया है। सेंटर पर रकम वसूल का तरीका और कायमशुदा सेंटर पर रश और आवाम का जमे गफीर हुकूमती कोरोना वायरस फैलाव महम का रूप धार चुका है। सेंटर पर सरकारी अमला और पूरी मशीनरी तैनात की हुई है और इंतजामिया को इस हवाले से सख्त हिदायतें दी गई हैं। ताहम इंतजामिया सेंटर के अंदर और बाहर आवाम के समंदर को कंट्रोल करने में मुश्किल का शिकार है। लॉकडाउन के दौरान जहां मुल्क में बाजार बंद, मस्जिद बंद, नमाज बंद, हवाई जहाज़ बंद, रेलगाड़ी बंद, सड़कें बंद, तहम एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत सेंटर पर सैकड़ों अफराद को एक मकाम पर जमा होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवाल है। इमदादी रकम के लिए आने वाले मर्द व ख्वातीन डबल सवारी और दफ़ा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते नजर आए। शहरी इत्तेहाद के रहनुमा आरिफ खानजादा ने इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला सिंध से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया।